हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने आरएसएस और हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी पर एक साथ हमला बोला। स्वामी चक्रपाणी ने दो टूक कहा है कि आरएसएस और ओवैसी दोनों ही नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का कोई समाधान हो। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए 3 सदस्यों का पैनल भी गठित किया। और विश्व हिंदू परिषद का जो अभी तरीके है राम मंदिर पे जो इनका रुख है वो ओवैसी और दोनों का बराबर है। मैंने असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान जिस प्रकार से आपत्तिजनक और टिप्पणी कर रहे हैं इस कमेटी को लेके जो 3 लोगों की बनी है मध्यस्थ के लिए, उसी प्रकार संघ और विश्व हिंदू परिषद की, तो ये दोनों लोग मिले हुए हैं और ओवैसी और संघ और विश्व हिंदू परिषद इन दोनों का एक ही है कि विवाद बना रहे और हिंदू मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करते रहे और ये राजनीति करते रहे। जिस प्रकार से हिंदू समाज को इन लोगों ने धोखा दिया है, छिपा नहीं है, हिंदू समाज इसको भूलेगा नहीं। 5 सालों तक प्रचंड बहुमत की सरकार रही और राम मंदिर पे उदासीन रही है सरकारें, मजार पे जाकर के चादर चढ़वा रहे प्रधानमंत्री मोदी।